हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, उसकी एक्सरसाइज 9.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 9.23 ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ए ओ बी ये एंगल 60 डिग्री है, इफ़ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल other than the arc ABC, ABC find angle ADC। अब उन्होंने बोला है कि जो D है वो सर्कल का क्या है, इज द D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क, यानी कि ये हमारी एक आर्क है ABC, ये हमारी ये जो देख रहे हो ये A से लेके C तक एक आर्क है और ये जो है हमारी दूसरी आर्क है, ठीक है। तो ये हमारी मेजर आर्क है, ये हमारी माइनर आर्क है, तो इस मेजर आर्क के ऊपर हमारा ये डी पॉइंट दे रखा है, तो हमें जो डी के ऊपर एक एंगल बन रहा है ना ये फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, कुछ मैंने इसके बेसिक्स बताए थे जो भी हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि हमें यहाँ पे तीन पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारी ए से लेके सी तक एक आर्क है जो माइनर आर्क है, इसमें हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, एंगल डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंस द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब आपको ये मैंने बताया था जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था कि जो सेंटर पे हमारा जो एक एंगल बनता है, जो सेंटर पे एंगल होता है और जो किसी और पॉइंट पे एंगल होता है, जैसे कि मान लो ये डी पे हमें एक यहाँ पे एंगल दे रखा है और एक है हमारा ओ पे, तो जो डी वाला एंगल होगा ना वो ओ का हमेशा हाफ होगा, यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा इसका हाफ होगा हमारा डी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो O पे जो हमारा है सेंटर में जो एंगल होता है वो किसी भी पॉइंट पे जो एंगल हो उसका डबल होता है, ठीक है, यानी कि D का डबल हो गया O, या फिर हम ये कह सकते हैं O जो है D जो है वो O का हाफ है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो है O जो है वो हमारा जो सेंटर जो है वो हमेशा डबल होगा किसी और पॉइंट पे अगर कोई भी एंगल बन रहा है। सो इसलिए जो एंगल ए ओ सी है, ये पूरे एंगल की हम बात करें, ए ओ सी यानी कि पूरे अगर एंगल की बात करें तो ये डबल है किसका, ए डी सी का, यानी कि जो हमारा मैंने वो क्या बताया, जो सेंटर पे हमारा एंगल बनेगा, ये जो हमारा सेंटर पे एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये डबल है किसका, डी का। अभी हम समझ दोबारा देख लेंगे, यानी कि जो एंगल ए ओ सी है, अगर हम एंगल ए ओ सी की बात कर रहे हैं तो हम इसको ए ओ बी और बी ओ सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दो पार्ट्स में ना यहाँ पे, तो अब इसको ए ओ बी और बी ओ सी इस तरीके से एंगल ए ओ सी को ऐसे लिख सकते हो, इक्वल है किसके, डबल ए डी सी के, यानी कि ये डबल है इसका, ये डबल है ना, तो उसको हमने डबल ए डी सी लिख दिया यहाँ पर, तो ए ओ बी 60 है, बी ओ सी 30 है, दोनों को प्लस किया 90 आ गया, 2ADC है, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया, कटिंग कर दी 2 के टेबल से, तो 45 आ गया, यानी कि D हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री, और पूरा हम AOC देखें तो पूरा हमारा 90 डिग्री है, तो D कितना आया, 45 डिग्री, तो डबल हो गया ना D का, देखो ये, और इसका हाफ हो गया, अगर ये 90 है तो 90 का हाफ 45 हो गया, इसी तरीके से D अगर 45 तो उसका डबल 90 हो गया, ठीक है, बस हमने इसको इस तरीके से फाइंड करना है। क्वेश्चन सेकंड है, अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमें सर्कल दे रखा है इसकी एक कोर्ड यहाँ पे दे रखी है ए बी, ये जो कोर्ड ए बी है इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है, जैसे मान लो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो कोर्ड भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है जो कोड है इस सर्कल की वो रेडियस के इक्वल है, फाइंड द एंगल सबस्टेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। हमें इसके अंदर देखो दो एंगल बन रहे हैं, ये हमारी जो ए बी सी है, सॉरी ए से लेके बी तक जो है ये हमारी माइनर आर्क है, और यहाँ से ए से लेके हम इधर देखें तो ये जो ए से बी इधर ऊपर की तरफ हम देखते हैं ये हमारी मेजर आर्क है,
तो हमें जो माइनर आर्कमिक एंगल दे रखा है और जो मेजर आर्कमिक एंगल दे रखा है, ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जितनी इस सर्कल की जो रेडियस है उतना ही ये कोण इक्वल है दोनों, यानी कि रेडियस और कोण इक्वल है। तो जब रेडियस और कोण इक्वल है तो इससे क्या, अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, जिससे कि हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन ए बी इज अ कोण ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सच डैट ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी, यानी कि तीनों ये इक्वल है। फाइंड करना है ए सी बी और ए डी बी, ये हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल पहले लेंगे हम ए ओ बी, इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ये तीनों साइड जो है हमारी कितनी होगी, 60 60 60, है ना। तो ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी डबल है एंगल किसके, ए सी बी के, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था जो सेंटर पे हमारा जो एंगल बनता है वो हमेशा किसी और पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जैसे ये 60 डिग्री दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा 30 डिग्री होगा, है ना। ये अगर 60 है तो इसका हाफ 30 है और इसका डबल 60 है। बीच वाला एंगल हमेशा डबल होता है और जो बाहर की साइड जितने भी एंगल बनते हैं वो बीच वाले एंगल के हमेशा हाफ होते हैं। तो हम इसको फाइंड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 2ACB। अगर यानी कि ये हाफ है तो इसका डबल, 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60, तो हम इसको डबल लिखेंगे। AOB जो इक्वल है 2ACB के इक्वल है, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, कट करा 2 के टेबल 30 आ गया, तो ACB हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और उसका डबल कितना हमें 60 दे रखा है। इसी तरीके से हमें DB निकालना है। ठीक है, हमारे पास ACB तो आ गया। एंगल सबस्टेंडेड बाय मेजर आर्क एट द सेंटर इज रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल 360 माइनस 60 डिग्री। अब देखो ये जो हमारा मेजर आर्क पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये मेजर आर्क है ना, इस पे जो हमारा ये एंगल बन रहा है, आर्क एट द सेंटर इज रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है। नीचे वाला हमें दे रखा है, तो 360 में से अभी 60 को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल हमारा 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स AOB, यानी कि ये जो ऊपर वाला एंगल हमें फाइंड नहीं करना, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये 300 है, जो कि हमने माइनस करके निकाला रिफ्लेक्स एंगल से। तो ये जो AOB है, यानी कि जो मेजर आर्क वाला ये वाला जो एंगल है, ये AOB 300 हमारे पास आ गया। अब इसका जो है हम हाफ करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो डबल है वो हमारा 300 है, इसका हाफ जो है वो हमारा डी है। तो इसलिए लिखेंगे एंगल AOB टू ADB, AOB 300 है, डबल है हमारा ये, इसको करेंगे ADB को डबल करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे 2 के टेबल से तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो जो एंगल ADB है ये जो है हमारा कितना आया, 150 डिग्री, इसका डबल कितना आया था, ये 300 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने ADB जो है वो फाइंड किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है, इन फिगर एंगल PQR 100 डिग्री, PQR आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR, यानी कि हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। गिवन क्या है कि PQR, यानी कि ये एंगल 100 डिग्री है और फाइंड हमें करना है OPR। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि सिंस द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय द सेम आर्क ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब रिफ्लेक्स एंगल हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिंस द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क, ये हमने जो प्रूफ दिया है, सो इसलिए जो रिफ्लेक्स एंगल है POR, ये जो बाहर वाला एंगल है, ठीक है, ये डबल है किसके, PQR के, क्योंकि हमने यही बताया था ना कि जो सेंटर वाला एंगल डबल होता है किसी और पॉइंट पे, कोई भी यहाँ पे अगर एंगल दे रखा है तो ये हमेशा इसका डबल होगा। अगर ये 100 है तो ये बाहर वाला क्या होगा, 200 होगा। तो सो रिफ्लेक्स एंगल POR डबल PQR, तो 2 × 100 200, यानी कि जो ये वाला एंगल बाहर वाला हमारा रिफ्लेक्स एंगल ये है, ये हमारा आ गया 200 डिग्री।
हमें कौन सा पहले फाइंड करना पड़ेगा, हमें तो पी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए पहले हमें जो अंदर वाला ये जो एंगल है ओ, ये फाइंड करना पड़ेगा। ये जो थ्री रिफ्लेक्स एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है पूरा, तो 360 में से हमें 200 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यही हमने किया, एंगल पी ओ आर, एंगल ओ फाइंड करने के लिए हमें 360 में से 200 माइनस किया, 160 आ गया। अब हमारे पास ओ आ गया इधर, ये अंदर कितना आ गया 160। अब यहाँ पे दे रखा कि देखो एक ट्राइंगल देखो यहाँ पे जो बन रहा है पी ओ आर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें जो ओ पी और ओ आर जो इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं सर्कल के और ये दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और एंगल ओ आर पी इक्वल है ओ पी आर के, क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद हम लिखेंगे जितने भी हमें एंगल्स दे रखे हैं, ओ पी आर, ये ओ पी आर एंगल ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ओ आर पी, ओ आर पी थर्ड एंगल लिखेंगे, पी ओ आर, पी ओ आर, ये तीनों एंगल हमें यहाँ पर लिखने हैं। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो ये तीनों एंगल हमारे किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के हमारे ये इक्वल हो गए, एंगल ओ पी आर, ओ आर पी, पी ओ आर, तीनों को प्लस करें किसके इक्वल है, 180 के। तो जो ओ पी आर, ओ पी, ओ पी आर प्लस ओ पी आर इक्वल प्लस 160 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। देखो हमने ओ पी आर की जगह तो ओ पी आर लिखा, लेकिन ओ आर पी की जगह भी हमने ओ पी आर लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, अभी हमने पीछे देखा पी और आर एंगल क्या है, ऑपोजिट है तो इक्वल है, तो इसलिए हमने ओ आर पी की जगह भी ओ पी आर लिख दिया, ये डबल ओ पी आर हो गया, टू ओ पी आर, और ये इधर आके इसके साथ क्या हो गया, माइनस हो गया, 20 आ गया, इसका मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया, 10 आ गया, तो ओ पी आर जो है वो 10 डिग्री निकल आया हमारा, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यू के क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर देखते हैं। इन फिगर ए एंगल ए बी सी 69, ये इसके अंदर हमें एंगल बी 69 दे रखा है, सी 31 दे रखा है, हमें इसके अंदर एंगल फाइंड करना है डी, ये एंगल फाइंड करना है, गिवन क्या है, ए बी सी 69, ए सी बी 31, फाइंड करना है बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो दो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स दे रखे हैं, थर्ड वाला हमें फाइंड करना है, तो ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ए हमें नहीं पता, बी 69 है, सी 31 है, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल ए जो है वो हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिंस एंगल इज सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये देखो ये सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो जब ए 80 डिग्री है तो एंगल डी इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा 80 डिग्री है, ठीक है। सो सिंस एंगल द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने बेसिक वीडियो में देखा था, सो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल डी भी कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। इन फिगर ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, अब देखो ए बी सी डी इस सर्कल के ऊपर फोर पॉइंट्स हैं, इस पे जो ए सी और जो बी डी है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ ई, यहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, सच डैट बी ई सी 30 डिग्री है, ई सी डी 20 डिग्री है, फाइंड क्या करना है हमें, बी ए सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ए, ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन हमें जो है वो हमने लिख दिया, फाइंड हमें ये करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बी ई सी ये वाला जो एंगल है और इसके साथ हम देखते हैं सी ई डी, यानी कि बी ई सी ये एंगल हो गया और सी ई डी ये एंगल, जब हम इन दोनों को देखते हैं इस तरीके से, दोनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा एक लीनियर पेयर बनता है जो कि हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बी ई सी तो 130 डिग्री है, सी ई डी हमें यहाँ पर नहीं पता, अगर हम इस वाले एंगल को देखें तो नहीं पता, इक्वल 180 डिग्री हो गया, 180 में से 130 माइनस करोगे तो हमारा सी ई डी भी निकल आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर से हमने इसको निकाला है, अब ये हमारा आ गया 50 डिग्री और ये हमें दे रखा है 130 डिग्री, हमें निकालना क्या है, हमें जो है वो एंगल ए निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है सी डी
और ई, ये जो हमारा ट्राइंगल है सी डी और ई, यानी कि ये, इसको फाइंड करेंगे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स वो दे रखे हैं, एक 50 डिग्री और एक 20 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम देखें तो इन दोनों को प्लस करके अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा डी भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये 20 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करके 70 में से माइनस कर तो 110 डिग्री आ गया। तो एंगल डी भी हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो एंगल डी इक्वल है एंगल ए के, क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल इज सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं। एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ई के, तो इसलिए बी ए सी भी हमारा 110 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 110 है तो ये भी 110 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा 110 फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन सिक्स है ए बी सी डी इज अ एक कैसा सर्कल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, यानी कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई पे काट रहे हैं इफ एंगल डी बी सी, यानी कि अगर ये वाला एंगल 70 है 70 है तो एंगल बी ए सी 30 है, इफ ये 70 है ये 30 है तो फाइंड करना है हमें एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल जो है ना हमें बी सी डी, अच्छा यहाँ पे है ये बी सी और डी, ये एंगल जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सी इफ़ ए बी इक्वल है बी सी के, और फाइंड करना है हमें इसके साथ ई सी डी, ठीक है। तो हमें ये बेसिकली हम देखें तो हमें बी सी डी, उसमें भी हमें सी है ये, और ई सी डी में भी हमें सी ही फाइंड करना है। तो गिवन तो हमें ये है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ई, जिसमें जो जो एंगल बन रहा है वो बता देना। हमें गिवन है कि जो ए बी इक्वल है बी सी के हैं, फाइंड करना है हमें बी सी डी और ई सी डी। तो इसको फाइंड करने के लिए जो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है बी डी सी, यानी कि जो ये एंगल है इक्वल आ जाता है एंगल बी ए सी के, क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हैं और सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। हमें जो सिर्फ दे रखा था इसके अंदर, सिर्फ ये दे रखा था हमें कि बी ए सी जो है यहाँ पे दे रखा था ना 30 डिग्री है, हमें यहाँ पे एंगल डी नहीं दे रखा था, लेकिन हमने बताया कि एंगल डी भी जो है वो 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल इज़ द सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी जो है हमारा 30 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल अगर बी सी डी देखें, यहाँ से बी सी डी, क्योंकि हमें सी फाइंड करना है ना, बी सी डी फाइंड करना, अगर हम ट्राइंगल बी सी डी देखें तो इसमें एंगल बी सी और डी इक्वल है 130। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बी और डी तो हमें दे रखे हैं, और बी और डी को अगर हम प्लस करके 180 में से माइनस करें तो हमारा सी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही करा, इसको बी और डी को प्लस किया 100 और 180 में से माइनस किया, तो सी हमारा आ गया कितना, 80 डिग्री। तो हमारा बी सी डी कितना हो गया, ये जो एंगल आ गया हमारा वो 80 डिग्री आ गया पूरा का पूरा। इसके साथ हमें ई सी डी भी जो है वो फाइंड करना है। अगर ई सी डी की बात करें, ई सी डी, तो सिर्फ इतना एंगल होगा वो, ठीक है। तो इसका हमें ये वाला एंगल जो है वो भी जो है हमें इसके साथ इसमें फाइंड करना है। तो ई सी डी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इफ़ ए बी इक्वल बी सी, अगर ये इसके इक्वल है देन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ये इसके इक्वल है, तो ये अगर हम ए बी सी वाले ट्राइंगल को देखें तो जो हमारा ए सी बी और बी ए सी है, यानी कि ये जो हमारा ए सी बी, ये एंगल जो है, यानी कि जो ये वाला एंगल जो है, अगर हम ए सी बी देखें तो ये वाला एंगल जो है इक्वल है किसके, बी ए सी के, इस वाले एंगल के। यानी कि हमें ये वाला, हम देखो अभी हमने जो फाइंड किया ना, हमने ये पूरा का पूरा 80 डिग्री फाइंड किया। देखो ये पूरा हमने यहाँ पे फाइंड किया ना बी सी डी, 80 डिग्री निकला, एक तो हमारा निकल आया, क्योंकि हमें दो फाइंड करने, एक तो निकल आया 80 पूरा, लेकिन हमें अब इसके साथ क्या बताना था, यहाँ पे हमें बताना था ई सी डी, इधर वाला एंगल बताना है। तो इधर वाला एंगल और इधर दोनों है ना हमारे पास, तो ये कितना है और ये कितना है, तो हमें फाइंड तो वैसे ये करना है, लेकिन हम इसमें बता रहे हैं कि जो ए एंगल है वो सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट और इक्वल साइड आर इक्वल।
तो ये एंगल जो है, ये देखो ये ऑपोजिट है ना सेम साइड पे, तो ये क्या है हमारे इक्वल है, यानी कि अगर ए इक्वल है, ए 30 है तो सी भी हमारा 30 है, यानी कि जो इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो सी तो हमारा ये 30 निकला है। अब पूरा कितना था ये 80 था, अब 80 में 30 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 50 निकल आएगा। तो हमने ये लिखा एंगल्स ए सी बी प्लस ई सी डी इक्वल बी सी डी, ये हमारा 30 है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा 80 है, ये जो है हमारा इधर, ये हमारा इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमारा ये 50 डिग्री, ये हमारा एंगल निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 to 6।